शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 8:30 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात अमावस्या लग जाएगा। चंद्रमा आज रेवती नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुध देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, पवित्र हृदय वाले, हर काम करने में समर्थ और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक प्रभावशाली, पूर्वानुमान लगाने में प्रवीण, ईमानदार, योग्य और सक्षम अधिकारी होते हैं। ये सरल स्वभाव वाले तर्क करने में निपुण और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मीन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद कन्या राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुनें, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रयत्नों में सार्थकता बनी रहेगी, काम करने में मन लगेगा और नई कार्य योजनाओं के संपन्न होने में गति आएगी। सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश जारी रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां जरूरी होंगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं, शरीर की ग्रंथियों में हार्मोन्स का संतुलन प्रभावित हो सकता है, अचानक यात्रा या देशाटन की स्थिति सामने आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। वृष राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। अपने बुद्धि कौशल से अचानक व त्वरित लाभ की उम्मीद बनती है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित नई जानकारियां हासिल होंगी और अज्ञानता का पर्दाफाश होगा। नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश संभावित है। साथ ही साथ निजी संबंधों में किसी के हस्तक्षेप से तनावग्रस्त स्थिति सामने आ सकती है, मगर आप उसका उचित समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में विस्तार और सफलता मिलती जाएगी। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होना सहयोग, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि का संकेत करता है। साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा। सरकारी कामकाज में रुकावट खत्म होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ न कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए काम संपन्न होंगे और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अभिभावकों व अपने अधिकारियों का उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नए कार्य योजनाओं के आयाम मजबूत होंगे और विकास की दर में वृद्धि होगी। कर्मचारी सुकून महसूस करेंगे, मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। चंद्रमा आज अमावस्या के निकट हैं, इसलिए शारीरिक संवेदनशीलता और मानसिक दुश्चिंता का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता में वृद्धि होगी और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी और हर काम करने को तत्पर रहेंगे। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। सरकारी कामकाज में गति आएगी और विचाराधीन कार्य संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, परिश्रम का सार्थक फल मिल सकता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। सरकारी विभाग से संबंधित कामों में अनुकूलता मिलेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपके प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। चंद्रमा आज आपके राशि से छठवें भाव में बैठे हुए हैं और बुध के नक्षत्र में। राहु की दृष्टि पड़ने से मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जो कि कार्य योजनाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। सावधानी अपेक्षित है। साथ ही साथ सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का संकेत मिलता है। हालांकि बृहस्पति आपकी राशि पर हैं और इसलिए सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा। फिर भी कार्य क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन सशंकित रहेगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता लगी रहेगी और अनावश्यक खर्च का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चले आ रहे कामों में रुकावट की संभावना बनती है। चंद्रमा आपके भाग्य के कारक ग्रह हैं और भाग्य भाव पर राहु विराजमान है। साथ ही साथ चंद्रमा पर दृष्टि भी पड़ रही है। मन मुताबिक काम होने में दिक्कत और रुकावटें हो सकती हैं। उत्साह में कमी और काम करने में मन का ना लगना संभावित है। हालांकि मानसिकता में प्रतियोगिता की भावना बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की नई योजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे। आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा और काम करने में संतुष्टि मिलेगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए, मगर भाग्यवश आज कुछ काम अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है। नई कार्य योजना के सफल निर्देशन से प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सामाजिक लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर साझेदारी के काम आपके लिए उचित नहीं होंगे। चंद्रमा के रेवती नक्षत्र में होने से आपके भाग्य को बल मिलेगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से योजनाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है, मगर अपनी योजनाओं को किसी से शेयर ना करें। हस्तक्षेप या बाधा संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सफलता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यास जरूरी होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा कारक ग्रह हैं और आपकी राशि पर चल रहे हैं। साथ में अमावस्या का असर भी आज से शुरू हो गया है। मानसिक शांति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी उत्साहजनक स्थिति प्रभावित होगी। महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की प्रेरणा और सलाह लाभदायक सिद्ध होगी, मगर नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन निर्णायक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और आप सफल हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता हो, जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, तो अनुकूलता के लिए स्नान के जल में फिटकरी डालनी चाहिए तथा घर के मुख्य द्वार पर चांदी की कीलें ठोकनी चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहती है तो तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए तथा नए पौधे लगाने चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं तो बहते हुए जल में दूध प्रवाहित करने से परेशानियां खत्म होती हैं। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो 7 शनिवार तक तेल में अपनी छाया देखकर उसका दान करें तथा घर के जिस कमरे अथवा स्थान पर रोशनी नहीं आती हो वहां पर रोशन दान बनवाएं। शेयर इत्यादि में अकस्मात लाभ के लिए कच्चा कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित करें। संतान सुख के लिए भूमि पर शयन करना चाहिए तथा बहते हुए जल में शराब डालनी चाहिए। रात्रि के समय दूध नहीं पीना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए मंदिर में पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। धर्म स्थल में विभिन्न वस्तुएं दान करने से भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता प्राप्त होती है। जीवन में स्थायित्व के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए तथा प्रतिदिन भोजन से पूर्व गाय के लिए भोजन निकालें। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए मीठी रोटियां कुत्ते को खिलाएं। अपनी हर प्रकार की परेशानियों से बचाव के लिए और निरंतर उन्नति एवं समृद्धि प्राप्ति के लिए अपनी चारपाई के चारों पायों में तांबे की कीलें ठोकनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।